हाय गाइस, कैसे हो? मैं आपकी प्रिया पिंग। आप सबको लिए मेरी तरफ से राधे राधे। मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए आप लोग भगवान करे ठीक रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आप लोग को आज मैं दिखाती हूँ आज का मेरा वीडियो कि मैं अपने घर में तो सारी गंदगी के बड़ी सफाई करूँगी और फिर उसके बाद नहाऊँगी। नहाने के बाद फिर खाना बनाऊँगी और जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो आज हम घूमने जाएंगे। आपको दिखाएंगे कहाँ घूमने जाते हैं। और मैंने सर में तेल डाल लिया है, कल हम गए थे घूमने तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे तो कलर किए थे और काफ़ी केमिकल वगैरह लगाए थे। मेरे बाल बहुत बेकार हो रहे हैं झाड़ू की तरह, तो मैंने तेल लगाया है। अभी नहाऊँगी, सर धोऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। मेरा घर देख रहे हैं आप, मैं गंदा करके गए हैं। अभी इसको मैं साफ़ करूँगी, तब तक के लिए आप थोड़ा होल्ड कीजिए। हाय गाइस, देखिए मेरे घर में मैंने सफाई कर दी है, मेरा घर चमक गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने और मैं आई हूँ बहराइच। बहराइच से फिर आई हूँ, पहले आई थी लखनऊ, फिर आई बहराइच, फिर आई भींगा। और भींगा में मेरे हस्बैंड रहते हैं रेंट पे, तो यहाँ आई हुई हूँ और यहाँ थोड़ा घूमूंगी फिर चली जाऊँगी मैं। और आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए। आप लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं और हो सकता है मेरा चैनल बंद हो जाए, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा अपना चैनल, क्योंकि मेरा टाइम ही बॉस टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा मेरा चैनल। आप लोग प्लीज़ देखिए मेरा चैनल। और मैं अब नहा के आती हूँ, फिर आपको देखिए मैंने मंदिर का अपना कल साफ़ किया है। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर। ये देखिए मेरी माता रानी है, मैंने कल इनको नहलाया है, साफ़ किया। और काफ़ी मेरे हस्बैंड तो ऐसी पूजा करते रहते हैं। और ये मेरी अलमारी है, कल मैं ये लेके आई थी, पॉट रखा हुआ है जो ब्राउन ब्राउन, ये पॉट लेके आई थी। मेरे ये मेरे मेकअप का सामान रखा हुआ है, मैं यहाँ बहुत सारा सामान रख रखा है। और मैं चलिए आपको दिखाती हूँ आगे का वीडियो। और अब मैं जा रही हूँ अपना सूट में प्रेस करने, क्योंकि यहाँ ऐसे कपड़े रखे हुए हैं, बिना प्रेस के कपड़े पहने नहीं आएंगे। मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ अपने सूट पे, मेरा सूट बहुत ख़राब हो रहा है, पहना नहीं जाएगा। और इसको प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको नहा के जल्दी से आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। प्रेस करने जा रही हूँ, प्रेस कर लूँ फिर तब। अब मैं जा रही हूँ कपड़े भिगोने, मेरे हस्बैंड के इतने सारे कपड़े हैं कि मैं इनको पहले भिगो देती हूँ। भिगोने के बाद थोड़ी देर भीगे रहेंगे, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी, पूजा करूँगी, आपको दिखाती हूँ। ये इन्होंने रख रखे हैं कि मेरी बीबी आएगी, धोएगी कपड़े, मैं कपड़े भिगो देती हूँ। और कपड़े भिगो दिए हैं, ये देखिए कितने सारे कपड़े मुझे धुलना है। यहाँ मशीन भी नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो हाथ से करना पड़ता है। शादी के बाद कितने काम करने पड़ते हैं, मैंने कभी इतना काम नहीं किया अपने घर पे, लेकिन क्या करें, शादी किए हैं, लड्डू खाए हैं, तो झेलना तो है ही। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, मुझे पता नहीं था इनके इतने सारे कपड़े हैं, वरना पहले भिगो देती तो पहले नहा लेती, पहले भिगो के फिर नहा लेती। अब ये है, मैंने देखा नहीं उन कपड़े, अब मैंने भिगो दिए हैं, अब पहले नहाना पड़ेगा, वरना पहले कपड़े धो लेती फिर टमे समय हो जाएगा बहुत। और मैं भी नहा के आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, पूजा करूँगी। और मेरा आज का वीडियो यही है, घर में आज कितने सारे काम मुझे करना है, फिर खाना बनाना है। तब तक के लिए थोड़ा होल्ड कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और दिखाती हूँ। हाय गाइस, अब मैं नहा के आ गई हूँ और मंदिर की सफाई कर ली है मैंने। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तैयारी कर रही हूँ, इसमें चिराग विराग नहाती हूँ मैं। आपको दिखाती हूँ कि मैं चिराग विराग बनाने जा रही हूँ। उससे फोन गिर गया, होल्ड कीजिए, यहाँ पर दिखाती हूँ पूजा करके। मंदिर तैयारी कर रही हूँ, चिराग बना रही हूँ, देखिए आप। मैं देसी घी से ही जलाती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जला रही हूँ तिल के तेल से चिराग, क्योंकि मैंने कभी जलाया नहीं, यहाँ देसी घी मिला नहीं, तो मैं तिल का तेल लेके आई हूँ और मैं तिल के तेल से पूजा करूँगी, तो दिखाती हूँ। और तब तक के लिए
मैंने मंदिर तैयार कर लिया है। ये धूप बत्ती है, ये अगरबत्ती है, ये रोली निकाल दी है, और ये भोग के लिए मैंने क्या कहते हैं मिश्री, देखिए दिख रहा है आपको कहाँ गई, ये मिश्री निकाली है, ये मिश्री निकाली है और किशमिश निकाली है। और अब मैं पूजा करने आ रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। हाय गाइस, पूजा कर चुकी हूँ मैं, और मैंने आपको दिखाया नहीं इसलिए कि लॉन्ग हो जाता वीडियो काफ़ी, आप बोर हो जाते देखते देखते। और मैं पूजा कर ली हूँ और मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने, और आपको दिखाती हूँ ऊपर छत का नज़ारा। हाँ थोड़ा सा चलिए मेरे साथ, और मैं नहा धो के हो गई हूँ, अभी मुझे खाना बनाना है, इतने सारे कपड़े पड़े हैं अभी मेरे, ये मुझे धुलना है हाथ से वो भी, और अभी और रखे हैं उनके। अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, लेकिन रहना तो है, क्या करें, मजबूरी है, इतनी दूर शादी कर लिए हैं तो रहना तो है ही। और मैं आपको दिखाती हूँ ओल्ड की, ये देखिए मेरा भिंगा, देखिए कैसा है मेरा भिंगा, सब ऐसे ही है, यहाँ लोग रहते हैं और मैं भी यहाँ रह रही हूँ लोगों के बीच में। पूजा कर ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे किचन में, खाना बनाऊँगी और फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी। 12 बजे का तो हम लोग घूमने आएंगे, आपको दिखाएंगे हम लोग कहाँ गांव में जाएंगे। मेरी नानी का गांव बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी का गांव मतलब, और वहाँ इतने सारे खट्टे लगे हुए हैं, बड़ा नींबू लगा हुआ है, और इतने सारे फल फ्रूट लगे हुए हैं, आपको दिखाऊंगी मैं आज। और मैं आज जाऊँगी अपनी नानी के यहाँ, और मैं नहा खा ली हूँ इसीलिए, और मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं जा रही हूँ किचन में। अब मेरा किचन में सब ऐसे ही फैला हुआ है, और मैं किचन में भी सफाई करूँगी। और तब तक किचन में आ गई हूँ, और मैंने अभी मटर भी भिगोई थी रात में, तो मैं आज मटर की सब्जी बनाऊंगी। और मैं जा रही हूँ इसमें मटर निकाल लूँ, ये देखिए मैंने मटर और आलू भिगोया है, और 12 बजे तक आ जाएंगे वो भी, लेकिन मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि आज हमारा घूमने का प्लान है, और ये मटर लग रहा अभी हुई नहीं है, कच्ची है। अरे कोई मटर हो गई है, कोई नहीं हुई है, ऐसा क्यों पता नहीं। आपको आज चाय बनाऊंगी मैं, छलनी ले ली हूँ, इसमें मैं मटर निकालती हूँ और चाय बना लूँ अपने लिए। और लग रहा है हुई नहीं है मटर, और ये मैंने कुकर रख दिया है, और अब मैं ये मैंने प्याज काट लिया है और हरी मिर्च काट ली है, और ये लहसुन है, ये मैं को भी काटूंगी और दिखाती हूँ आपको। और मैं इसमें हल्का सा जीरा डालती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाने का, तो उन सब जितने लोगों की शादियाँ हुई हैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि जिसके हस्बैंड खाना नहीं बनाते बहुत अच्छा है, और जिसके हस्बैंड को खाना बनाना आता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो इतनी सारी कमियाँ निकालते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। फोन करके बोल रहे थे ये डाल देना वो डाल देना, तो मैं शायद आप लोग भी शायद ये चीज़ झेलती होगी, और ये अभी हुआ नहीं है, तेल हल्का सा कच्चा सा लग रहा है अभी, कुछ हुआ नहीं है इसमें। और मेरा तेल हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ लहसुन, लहसुन डाला इसमें और हरी मिर्च डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, लहसुन डाल दिया, और मैं चलाती हूँ। और ये तेज पात का पत्ता निकालती हूँ, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो मैं आई कल, मैंने किचन की पूरी सफाई की, सब में स्लिप लगाई क्योंकि मैं मसाला वसाला ढूंढने में दिक्कत होती है, आपको दिख ही रहा होगा, और देखिए मैंने डिब्बों पे स्लिप लगाई इस तरीके की सब पे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने कि ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं जब मैं आती हूँ यहाँ तो मुझे सामान नहीं मिलता है, आपने कहाँ क्या कर रख देते हो, तो भूल जाती, बातों में भूल जाती कि मुझे तेज पत्ता का पत्ता डालना है, अगर तेज पत्ता का पत्ता नहीं डालती तो मुझे सुनाते कि तुमने तेज पत्ता का पत्ता नहीं डाला है।
क्योंकि खाने में बहुत लच्छा निकालते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बना लेते हैं वो, तो उन्हें मेरा खाना समझ में नहीं आता है बना हुआ। और मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, दिखाती हूँ आपको, एक्चुअली दिख नहीं रहा है आपको, दिखाती हूँ ये, मैं इसमें प्याज डालने जा रही हूँ। तो मैंने प्याज डाल दिया इसमें, सौ मसाला इसमें डाली क्योंकि पीस मेरी कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड रह रहे हैं इसीलिए सामान लिए नहीं है ज़्यादा, तो मैनेज करना पड़ता है। तो ये मैं डाल दी हूँ प्याज, और अभी ये डालती हूँ हींग थोड़ी सी, क्योंकि हींग डालने से सही रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है पेट का, और आप लोग भी हींग जरूर डाला कीजिए खाने में, यूज किया कीजिए, मैं तो हींग खाती हूँ, सही रहता है। ये देखिए अभी मेरा प्याज भुना नहीं है, भून रही हूँ मैं इसको, और थोड़ा ब्राउन हो जाए तब इसमें मसाले वसाले डालूँगी। और ये मैंने टमाटर रखे हैं, अभी काटे नहीं हैं, काटूँगी। और ये मैं डाल रही हूँ हल्दी इसमें पिसी हुई, मैं हल्दी डाली थोड़ी सी, ये डाल रही हूँ छोला मसाला, थोड़ा टेस्टी बनाना, इसी के लिए फोन कर रहे थे, छोला मसाला डाल देना छोला मसाला तो जरूरी डालना है फोन किया है तो। और गिर रही बॉटल, और ये हल्की सी कश्मीरी मिर्च टेस्ट लाने के लिए, मतलब वो कलर अच्छा आता है इसे डालने से। ये मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला, और तो मुझे इसमें गरम मसाला डालना है, वो मैं तो भूल ही गई, मैं गरम मसाला डालूंगी मैं, ये थोड़ी सी कम लग रही है, डाल देती हूँ। और ये जीरा पाउडर है, हल्का सा डालती हूँ, इसको भी यूज नहीं करते हैं, ये रख देते हैं लाला के, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये मैंने वो डाला है। और मैं शायद एक चीज़ और कुछ भूल गई हूँ, अभी अभी मैं हल्का सा डालती हूँ गरम मसाला, ये मैंने इसमें गरम मसाला डाला, मुझे याद नहीं था कि मैंने जीरा, वो जीरा कह रही हूँ, धनिया पाउडर डाला ही नहीं है, भूल गई हूँ धनिया पाउडर, तो मैं ये धनिया पाउडर डाल दूँ, दो चम्मच डाल देती हूँ क्योंकि ज़्यादा है, पानी हल्का सा और डालती हूँ, थोड़ा रफ रफ सा हो रहा है, और हल्की सी खटाई डालती हूँ, अच्छी लगती है खटाई, हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट अच्छा लगता है, ये खटाई पाउडर है, सब साफ करके रखे हैं मैंने, ये थोड़े से धूप लगा के रखी क्योंकि सील रहते हैं ये सब मसाले, यूज़ ही नहीं करते, अकेले रहते हैं यूज़ नहीं कर पाते, जब मैं आती हूँ तो मैं ही यूज़ करती हूँ। और ये मैं अब इसमें चला देती हूँ, इसको होने देती हूँ, तो दिखाती हूँ, ये देखिए ये बनना है अभी, अभी इसमें नमक डालना है मुझे, तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ। अब मैं टमाटर काटने जा रही हूँ, इसके बीज निकालने डालूंगी क्योंकि बीज नुकसान देते हैं, कहते हैं डॉक्टर्स लोग कि टमाटर के बीज नहीं खाना चाहिए, ये इससे स्टोन बनते हैं पेट में, तो मैं अक्सर जब भी खाना बनाती हूँ तो टमाटर बीजा निकाल देती हूँ, और ये बनाते हैं पता नहीं, लाल निकालते नहीं हैं ये, तो मैं टमाटर के बीजे निकाल देती हूँ सब, और फिर इसमें मसाला भी मेरा हुआ भी नहीं है, तो मैं बीजे निकाल देती हूँ। अब मैं टमाटर डालने जा रही हूँ, और इसके बीजे मैंने निकाल दिए, आप लोग भी बीजे निकाल दीजिएगा, और इस कहते हैं टमाटर के बीजे निकाल दो तो टेस्ट नहीं आता है, खट्टा खट्टा सा नहीं वो आता है, तो मैंने इसके जो बीजे थे वो छलनी से छान लिया पानी, और बीजे फेंक दिए हैं मैंने, मतलब ऐसे ही यूज़ करती हूँ मैं, और आप लोग भी ऐसे ही यूज़ किया कीजिए। टमाटर मैंने सारे डाल दिए हैं काट के, अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, नमक एक चम्मच और डाल देती हूँ,
मुझे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ी देर ऐसे बनाना है। अब मैं इसको होने देती हूँ, तब तक मैं आलू छील लेती हूँ। अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ और सब्जी मेरी बन रही है, फिर उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी, फिर उसके बाद रोटी चावल जो बनाना है बनाऊँगी। और तब तक 12:30 बज ही जाएगा, तब तक वो आ जाएंगे, फिर आपको दिखाऊँगी, मैं बाहर जाऊँगी। फाइनली काम हो चुका है, कपड़े धुल दिए मैंने, कितने सारे कपड़े धुले हैं देखिए, ये इतने ये हैं, और वो जैकेट है, इतनी भारी है, ऐसा लग रहा है सजाई धो रहे हैं। ओह आज पता चला मशीन का क्या काम होता है। ओफो यहाँ मशीन नहीं है ना, तो यही रहते हैं अकेले, तो हाथ से करना पड़ता है। अब मैं आपको छत पे दिखाती हूँ, मेरे कपड़े सब भीग गए हैं, मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, बहुत थक गई। अब मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज कर लिए मेरे, क्योंकि कपड़े धुले तो सब भीग गए थे, कपड़े चेंज कर लिए, मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने। और सब्जी भी मेरी बन चुकी है लगभग, बाकी का आपको दिखाया नहीं मैंने, पानी मैंने डाल दिया था और अभी बना नहीं है। और चाय भी मैंने बनाने जा रही थी लेकिन नहीं बनाई, मैंने सोचा अब कपड़े धुल लूँ फिर ही बनाऊँगी चाय, फिर पीऊँगी चैन से आराम से। और मैं जा रही हूँ अब छत पे कपड़े डालने। ओहो मेरे बाल, और सबसे ज़्यादा तो जैकेट इतनी भारी थी कि भगवान मेरे, ऐसा हो रहा था रजाई धो रही हूँ, इतनी भारी है, क्योंकि अब कपड़े पहने नहीं जाएंगे गर्म, और मौसम भी अब अच्छा हो गया है, गर्मी लगने लगी, रात में गर्मी लगती है तो फैन भी चलाना पड़ता है, और गर्मी आ गई तो मच्छर भी आ गए हैं, मच्छर भी बहुत हैं। और ये फाइनली छत पे आ गई हूँ, और मैंने तार पे जैकेट डाल दी है, और आपको दिखाती हूँ मैं, वेट कीजिए कपड़े फैला दूँ, ये सारे कपड़े हैं जिसका जवाब नहीं। और ये मेरा सूट जो मैं पहनी हुई थी गीला हो गया था, इसको मैं यहाँ फ़ोन को रख देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ओहो यहाँ बंदर इतने हैं कि शायद कहीं होंगे, और मैं जा रही हूँ कपड़े फैला रही हूँ, और सांस फूल गई मेरी, अरे डाल दिए मैंने कपड़े, और अभी बाल्टी भरे हुए कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े हैं जिसका जवाब नहीं। और ये देखिए कितने सारे कपड़े मैंने धुले हैं, ये देखिए ये यहाँ से वहाँ तक तार आपको दिख रहा होगा भरा हुआ है, सब धोए हैं मैंने, ये देखिए। और मैं थक, मेरे इसमें एक भी कपड़ा नहीं है, सब मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। और मैं इसमें क्लिप लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं, और कपड़े तो फिलहाल नहीं ले जाते हैं, लेकिन हवा चल रही है तो ये उड़ जाएंगे सारे कपड़े, और मैं क्लिप लगा देती हूँ कपड़ों पे जिससे कि उड़े नहीं, और आज खुश हो जाएंगे आएंगे। आज प्रीति ने मेरे फाइनली कपड़े धुल दिए हैं, क्योंकि मुझे कपड़े धुलना नहीं अच्छा लगता है, जानते हैं वो कि प्रीति से सारे काम करा लो, कपड़ा नहीं धुल सकती है वो, और क्या करें अब धुलना पड़े कपड़े, क्योंकि शादी किए हैं तो अब आए हैं तो कपड़े तो धुलना ही पड़ेंगे, और जब मैं नहीं रहती हूँ तो धुलते ही हैं अपने कपड़े, और मैं जब चली जाऊँगी तो करेंगे वो, तो यही धुल दिए कपड़े। कह रहे थे कल मेरे कपड़े कहाँ धुलोगी तुम, अपने धुलोगी, तो मैंने सोचा लो अच्छा धुल देती हूँ इनके कपड़े, और सब फाइनली धुल दिए हैं। और अभी मुझे लग रहा है ना सूट में पिन लगाई है, पिन भी कम पड़ गई हैं, पिन भी नहीं है कि कपड़े में लगा दो, सोचा था कुछ बनाएंगे पापड़ वगैरह, होली आ रही है, लेकिन बंदर इतने हैं कि वो देखो, दिखाती हूँ मैं आपको बंदर, वो देखो छत पे दिखा आपको, वो देखो ओए बंदर, वो देखो धूप में मुझे नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, सॉरी मैं देख नहीं पा रही हूँ कि आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये देखिए बंदर यहाँ बहुत हैं। ये पेड़ दिख रहा है आपको सामने, यहाँ नीचे इसके मंदिर है, और मैं अभी तक गई नहीं हूँ, और शिवरात्रि पे मैं जाने को थी लेकिन तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं गई। ये देखो बंदर, ये देखो बंदर,
यहाँ खाने के लिए बहुत रहते हैं, क्योंकि यहाँ आगे चल के जंगल है, भिंगा से आके मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन एक जंगल है वहाँ, मतलब 12 किलोमीटर जंगल ही जंगल है, और उस जंगल इतना घना है कि वहाँ बंदर वंदर बहुत हैं, जानवर वानवर हैं। और हम नानी के घर जब जाते हैं तो पड़ता है रास्ते में, तो हम आपको दिखाएंगे, आज जाएंगे नानी के यहाँ। हम एक्चुअली फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो बनाना आता नहीं है लॉन्ग वीडियो, और मैं बनाती हूँ शॉर्ट, तो वो वीडियो में छोटी मतलब पिक्चर्स आती है वो समझ में नहीं आती मेरे को, तो मैंने इस बार सोचा कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ और देखती हूँ, और आप बताइएगा। अब मैं नीचे जा रही हूँ, अब एक गर्मा गर्म चाय पियेंगे। सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया डिब्बा, डांटेंगे मुझे। मैं इसको इसमें रख देती हूँ, क्योंकि अभी कपड़े उतारने होंगे तो पिन रखनी होगी, और मैं नीचे जाती हूँ, क्योंकि मुझे बंदर से बहुत डर लगता है, बंदर यहाँ के हैं, लिपट जाते हैं। और मैं जा रही हूँ नीचे और चाय बनाऊँगी अच्छे से। हाँ, गेट बंद करती हूँ, क्योंकि अगर खुला रह गया तो नीचे आ जाएंगे, और नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ है खाने पीने का, और मैं भगा भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे लिपट जाएंगे, मैं अकेली हूँ। और ये मैं नीचे आ गई हूँ और सांस फूल गई है मेरी, और मैं ये, ओह सॉरी एक चीज़ तो भूल गई डालना, इनका कर रह गया डालना, तो मैं इसको अब दोबारा तो नहीं जा रही हूँ ऊपर, मैं इसको यहीं फैला देती हूँ, सूख जाएगा, कहेंगे मेरा निकर नहीं फैलाती हो तुम, फैलाया नहीं तुमने, क्योंकि मैं भूल गई, इतने सारे कपड़े थे याद नहीं रहा मुझे, यहीं डाल देती हूँ सूख जाएगा, गर्मी है बहुत ज़्यादा। और मैं ये किचन में जा रही हूँ, अपनी भी अच्छी सी मस्त चाय बनाऊँगी कड़क एकदम, क्योंकि मैं चाय बनाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा अरे मुझे कपड़े भी धुलना है और मैं चाय बनाऊँगी तो अभी पी लूँगी, तो बाद में फिर मन नहीं होगा। मैंने इसलिए गैस ऑफ कर दी थी, सब कुछ इसमें डाल दिया है, चीनी पत्ती वगैरह सब डाल दिया है, और मैं इसमें ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मैं चाय सुबह से पी नहीं हूँ, सुबह 6:30 बजे सो के उठ गई थी, क्योंकि इनके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th और 11th के 12th के, तो उसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो सुबह जाते हैं, तो सुबह मैं उठ गई थी, फिर मैं उसके बाद सोचा चलो काम ही कर लेती हूँ, सारा काम किया, तब से मैंने चाय नहीं पी है। अब मैं, मेरी सब्जी भी लगभग बनी चुकी है, आप भी सोच रहे होगे सब्जी हो गई बीजबल की खिचड़ी, लेकिन मैंने बहुत स्लो पे धीरे धीरे बना रही थी मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी, मुझे गाढ़ी गाढ़ी सब्जी पसंद, एकदम कम हो उसमें ग्रेवी, और मतलब दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकंड वेट कीजिए। और ये देखिए मैंने उतनी निकाल के रख दी, क्योंकि मुझे चाट बनानी है, मैं चाट बनाऊंगी, क्योंकि खाना तो रोटियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ, वो तो है नहीं, वो शायद वो खा के आएंगे खाना, क्योंकि स्कूल में खाना मिलता है उनको, वहाँ जहाँ ड्यूटी लगी है। तो मैं सबसे धनिया किससे मंगाऊँ, क्योंकि धनिया नहीं, मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दूँ, सही है ना, लेकिन देखनी पड़ेगी कहाँ रखी है। और तब तक लिया, क्योंकि मैंने वीडियो जो बनाई है शॉर्ट शॉर्ट करके, इसलिए काट काट को नहीं, क्योंकि लंबी वीडियो तो मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, तो आप लोग तो बोर हो जाते होंगे, इसलिए मैंने आपको कपड़े धुलते हुए नहीं दिखाया और सब कर लिया उसके बाद दिखाया, क्योंकि मैंने सोचा कि लंबी हो जाएगी बहुत वीडियो। और मैं चाय वाय पीती फिर आपको दिखाती हूँ। फाइनली मैंने चाय बना ली है और मैं बैठ गई हूँ, और मैंने अपने लिए खाने के लिए थोड़ा नाश्ता वास्ता बना लिया, क्योंकि चाट मुझे थोड़ा मन था खाने का, तो मैंने चाट बनाई है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने चाट बनाई है, इसमें टमाटर नहीं डाला मैंने इसलिए, क्योंकि मुझे टमाटर पसंद तो है लेकिन मैंने डाला नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो इसमें मैंने गरम मसाला हल्का डाला है, प्याज डाला है, और कुटी मिर्च डाली है, खटाई डाली है, नींबू डाला है, और ये मखाने वखाने हैं, और ये मूंगफली का दाना है, और ये मेरी चाय है, और मैं चाय पीती हूँ और आपसे बात करती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। फाइनली मेरा सारा काम हो गया है, अब मुझे रोटी बनानी है, चावल बनाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ खाली चावल बनाऊँगी, जब वो आएंगे रोटी बनाऊंगी, अगर नानी घर हम लोग नहीं गए तो बनाऊंगी रोटी, वरना रोटी नहीं बनाऊंगी। और मैं अब चाय पीने जा रही हूँ, आप लोग भी आइए पी लीजिए, और देखो तब तक यहाँ से जाना होगा, 8 की होली है तो हम लखनऊ जाएंगे, 4 को लखनऊ जाएंगे,
थोड़े दिन लखनऊ रुकेंगे, फिर उसके बाद बरेली चले जाएंगे। यही जिंदगी है मेरी। पहले तीन घर हो गए मेरे, बरेली मम्मी पापा हैं, शादी लखनऊ में हुई है और सास ससुर मेरे लखनऊ में रहते हैं, हस्बैंड मेरे ढींगा में रहते हैं, और तो मैं तीन घर आती हूँ, जाती नौकरी वहाँ करती हूँ, सास ससुर के पास रहती हूँ। मेन चीज़ लखनऊ में ही सारा सामान है मेरा, यहाँ तो नॉर्मली सामान है जो मतलब लड़कों के लिए क्या, लड़के तो थोड़ा ही बहुत सामान यूज़ करते हैं, लड़कियाँ जब साथ रहती हैं तो बहुत कुछ यूज़ करना पड़ता है। और आप सोचते होंगे आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हो और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। सब्सक्राइबर तो हो गए लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, हो सकता है मेरा चैनल बंद हो जाए तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी सी भी अच्छी बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वीडियो बनाऊँ। और मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है तो मैं गाना गा के डाली थी वीडियो, आप लोगों ने शायद देखी थी, लोगों ने कमेंट्स भी किया था। और मेरे हस्बैंड को तो मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती है, और फिर भी क्या करें, ये ज़िंदगी है, जी लो जितनी जैसे जीना है, फिर तो क्या है। और मेरे घर में वैसे अलाव नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन मैं अब मनाने लगी हूँ क्योंकि क्या करें, शादी को भी इतना टाइम हो गया है, लाइफ में कोई खुशी ही नहीं है, सब गम ही गम है, क्या करें। जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपना मन लगाने के लिए। मेरी शादी को 3 साल हो गया है, अब मेरे कोई बच्चे नहीं हैं अभी, और चल रही है लाइफ ऐसी धक्का मार चल रही है लाइफ। कभी कभी मन करता है कि क्या बताएं, बता नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे घर वाले सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और मेरे हस्बैंड भी सही हैं मतलब, लेकिन कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें खाने का बहुत शौक है। मैं तो यही कहूँगी जिन लोग शादीशुदा लोग हैं, जिनके पति लोग खाना बनाना तो वो भी ये चीज़ झेलती होंगी, क्योंकि उन्हें हस्बैंड तियाँ निकालते होंगे। मेरे हस्बैंड, मैं पहले शादी जब नहीं हुई थी तो मैं सोचती थी कि मुझे भी ऐसा ही जीवन साथी मिले जो खाना बना बना ले सबको, लेकिन अब सोचती हूँ मैं गलत सोचती थी, क्योंकि ये खाना बना लेते हैं तो ये तियाँ निकालते हैं बहुत। मेरे स्कूल में हैं 2-4 मैम्स लोग हैं और भी फ्रेंड्स लोग हैं जो शादीवादी हैं, तो वो लोग ये चीज़ कहती हैं कि मैं तो जैसा बना दूँ वैसा खा लेती हूँ, कि मेरे हस्बैंड खाना बनाना आता ही नहीं तो मैं कहती हूँ अच्छा है, नहीं आते हैं कम से कम, कुछ कहता तो नहीं है वो, मेरे हस्बैंड को तो आता है, तो वो तियाँ निकालते हैं कि तुमने नमक नहीं डाला है सही से, तो चटपटा नहीं बनाया है, तुमने टेस्टी नहीं बनाया है, ऐसे किया करो वैसा किया करो, तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि कभी मेरा मन करता है कुछ अच्छा बनाऊँ तो उसमें वो आके अपना करते हैं ये ऐसा, तो मुझे फिर गुस्सा आता है। मैंने पूजा की थी, उसमें पता नहीं पानी रह गया था क्या, इतनी तेज तेज आवाज़ हो रही थी, कपड़े धो रही थी मैं, भागती हुई आई थी कि आग ना लग जाए, क्योंकि एक बार बरेली में ऐसा हो चुका है, मम्मी पूजा की थी तो मतलब पता नहीं कैसा क्या हुआ उसमें, कि वो पूरे मंदिर में आग लग गई, मंदिर में आग लग गई, सारे भगवान जल गए, सब पोस्टर इतने सुंदर सुंदर लेके आए थे जागेश्वर से, तिरुपति बालाजी से लेके आए थे, सब खराब हो गए। मम्मी मेरी बहुत परेशान थी, तो मैं आज सोच रही थी हाय गई आग ना लग जाए, तो मैं बहुत देर तक खड़ी रही देखती रही कि हाय हाय कि ये मतलब कहीं कुछ हो ना जाए, फिर भी उधर आ, क्योंकि डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि अकेली हूँ मैं, घर में कोई है नहीं, क्योंकि जिसका घर है वो भी नहीं रहते हैं, खाली मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो अब उनका इंतजार हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम 1 सेकंड देखती हूँ मैं, अभी तो 10:30 हुए हैं और अभी टाइम है, आते होंगे मेरे हस्बैंड, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर जाएंगे घूमने, देखते हैं इनका मूड पे डिपेंड करता है जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कह रहे तो मैं अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं घुमा जाता हूँ, झिंगा में घूमने तो छा ही नहीं, क्योंकि बहराई थोड़ा बहुत ठीक है जैसे सजानपुर वैसे बहराई के, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है यहाँ की लैंग्वेज, बिल्कुल चेंज है और समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर पहुँच जाऊँगी अपने घर से, लेकिन क्या करें, किस्मत में था यहाँ आना, क्योंकि मैं बरेली में की हूँ, मैं लखनऊ तक तो मैं सफ़र कर लेती हूँ, लखनऊ के बाद का सफ़र तो मेरा इतना बुरा होता है, धक्के मार धक्के मार,
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं, कभी कभी रोने लगती हूँ, सोचती हूँ क्या कर लूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी, लेकिन चल रहा है। क्योंकि मेरी 17 की एनिवर्सरी थी, मैंने सोचा मैं अच्छी से वीडियो बनाऊंगी एक लॉन्ग, लेकिन मुझे वही समझ में नहीं आता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं डालती हूँ तो पार्ट वाइज मेरी वीडियो पड़ती है। अब मैं जैसे लोग डालते हैं पूरा पूरे दिन भर का कच्चा करके डाल देते हैं, वैसे मुझसे नहीं डाल मिलती है। अब मैं अगर कैन मास्टर से डालती तो उसमें मेरी छोटी पिक्चर आती है, छोटी पिक्चर्स बन के आती है। तो मैंने इस बार सोचा मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाई हैं अपनी एनिवर्सरी की, आप देखिएगा बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ। और क्योंकि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, अब आप सोचते हो 3 साल हो गए ना साड़ी पहननी नहीं आती है, क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, सूट भी बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादातर तो मैं जीन्स स्कर्ट यही पहनती हूँ। स्कूल में भी लोअर टी शर्ट पहन के आती हूँ मैं, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ इसीलिए। और यही चल रहा है, घर में सबको नहीं पसंद था लेकिन अब सबको पसंद आ गया है, पहन लेती हूँ मैं, कोई रोने धोने नहीं है। क्योंकि मेरी मेरी छोटी जो दरानी है वो भी मुझे देख के बदल गई हैं, वो भी पहनती हैं, तो सब सही चल रहा है। अब मुझे मैंने एनिवर्सरी पे साड़ी बांधी थी, मेरी मम्मी जी कह रही थी साड़ी तुमने सही बांधी, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो कि मैं साड़ी बांधने लगी हूँ ठीक ठाक। क्योंकि मेरी सास माँ कह रही थी तुम्हें कितनी भी साड़ियाँ कितनी भी दिला दो लेकिन तुम बांधनी ही नहीं आती है। मेरे हस्बैंड को साड़ी बहुत पसंद है, मोस्टली जेंट्स लोगों को जैसे साड़ी पसंद आती है, लेकिन लड़कियों से पूछो उसको बांधना ये भगवान मेरे बांधना फिर चलना और फिर काम करना ये भगवान, मुझसे तो नहीं हो पाता है। और यही सब कुछ है, और वीडियो आगे वीडियो आपको मैं बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं है, चार्जिंग पर लगा देती हूँ, और मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय, और मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी हम लोग घूमने जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, आवाज़ आ रही है, आ गए हैं। और प्लीज़ आप लोगों ने पीछे सब्सक्राइब कीजिए, कुशल मंगल रहिए मेरे फ्रेंड, बहुत सारी खुशियाँ रहें आपकी लाइफ में, कोई गम ना रहे, भगवान करे ईश्वर की कृपा से आप लोग मस्त रहो, और यही आपसे कहती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, बाय।